हिंदुस्तानियों की आदत है, वो अक्सर पेट्रियोटिक फील करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। तो इस बार आपकी 26 जनवरी के पेट्रियोटिज्म को बढ़ाने के लिए बड़े पर्दे पर आ गई है एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की फिल्म, जिससे लोगों को बहुत उम्मीदें थी और ये फिल्म उम्मीदों पर खरी भी उतरेगी। दिस फिल्म इज अ रियल लाइफ स्टोरी। ये कहानी बेस्ड है कुवैत ऑपरेशन पर, जिसमें इवैक्यूएशन को लेकर बहुत ज्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी इंडियन आर्मी को भी और इंडियन पायलट्स को भी। किस तरह से कमर्शियल फ्लाइट्स के पायलट्स एक आर्मी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद कई सारे हिंदुस्तानियों को कुवैत से निकालते हैं, ये कहानी है फिल्म एयरलिफ्ट की। कहानी है रंजीत कटियाल की, जो एक वेल्दी और पावरफुल इंडियन बिजनेसमैन है जो कुवैत में सेटल्ड है। उसकी शादी हो चुकी है अमृता यानी निमृत कौर से। कुवैती होने का उसे ज्यादा गर्व है बजाय इंडियन होने के। उसकी जिंदगी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है जब इराक हमला करता है कुवैत पर। कैसे 170,000 इंडियंस को सेफली उनके घर पहुंचाती है हमारी इंडिया की आर्मी, हमारे इंडिया के पायलट्स, वो बताती है ये फिल्म एयरलिफ्ट। ये फिल्म भले ही एक सच्ची घटना पर आधारित हो, पर इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्क्रीन प्ले। जिस तरह से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, ये 2 घंटे तक आपको अपनी कुर्सी से हिलने नहीं देती। दिस फिल्म गिव्स यू थ्रिल्स डाउन योर हार्ट जब आप देखते हैं किस तरह से ये एक ऐसा हीरोइक इवैक्यूएशन था जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई थी। द स्टोरी इज वेरी ग्रिपिंग। तो सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी फिल्म के डायरेक्टर राजा मेनन की, जिनकी टीम ने काफी मेहनत की है इस फिल्म को एक सुपर्ब फिल्म बनाने में। इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार की पिछली फिल्में जैसे बेबी और हॉलीडे वाला एहसास तो नजर आता है, लेकिन फिर भी दिस फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरी इंडियन। पब्लिक का रिव्यू भी जोरदार है। अक्षय कुमार के लिए एक और कमबैक माना जा रहा है ये। पिछले साल में उनकी बहुत मेजर हिट फिल्म्स नहीं आ पाई थी। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू रॉक द बॉक्स ऑफिस और अक्षय फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एयरलिफ्ट 100 में से आपके 90 रुपए जरूर वसूल होंगे। जस्ट गो एंड वॉच दिस फिल्म इन द थिएटर्स नियर यू।